हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्राइसिटी प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त एंकर तरन्नुम। तो गाइज, आज मैं दोबारा हाजिर हो गई हूं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा विला लेके। आप जैसे कि आउटर एलिवेशन देख ही पा रहे हैं, आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर बाहर से ये इतना अच्छा इसका एलिवेशन है तो अंदर से ये विला कितना ही ज़्यादा सुंदर होने वाला है। ये आपका विला लोकेटेड है 123 सेक्टर मोहाली में एंड डायरेक्टली एडजॉइंट है आपके PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड के साथ। मैं दिखाऊंगी आपको पूरा विला बिल्कुल डिटेल में, एक एक चीज आपको बताऊंगी, बट पहले आप देखिए कुछ क्लिप्स। This is the gate from where you can enter to your dream house. Like guys, आप देख सकते हैं एंट्री कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है इस घर की। यहाँ पे अगर आप लुक देंगे, यहाँ पे आपको स्पेस मिल रहा है काफी ज्यादा, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। प्लस अगर आप इस साइड देखेंगे, यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल रहा है, इसको आप अपना यूटिलिटी एरिया भी बना सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे प्लांट्स ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लुक आपके घर को दे रहे हैं। एंड अगर आप इस साइड देखेंगे, यहाँ पे आपको छोटा सा एक स्टोर भी मिल रहा है स्टेयर्स के नीचे, जहाँ पे आप अपना एक्सेस वाला जो सामान है, जो मतलब हम घर के अंदर नहीं लेके जा सकते, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी इस घर की लगी कि आपकी जो फर्स्ट फ्लोर के लिए एंट्री है वो एक सेपरेट एंट्री आपको दी गई है। लाइक अगर आपको इसको रेंट आउट करना है या किसी और पर्पज से यूज करना है तो आपकी जो प्राइवेसी है उसमें कोई इशू नहीं आएगा। लाइक जिसने भी ऊपर जाना होगा यहाँ से डायरेक्टली एंटर कर सकता है। सो दिस इज द एंट्री। एंट्री पे आपको दो डोर मिल जाते हैं, एक आपको मैच डोर यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस ये आपका मेन डोर यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं वुडन का पूरा बना हुआ है डोर, काफी ब्यूटीफुल तरीके से लाइनिंग वुड इसमें यूज करी गई है। एंड जैसे आप अंदर आएंगे, इस साइड आ जाता है आपका ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया। पहले तो आपकी मुझे पता है आपकी लुक पहले वॉलपेपर पे ही गई होगी, क्योंकि जब मैंने घर में एंटर किया था ना, पहले मैंने भी इस वॉलपेपर को ही देखा था, क्योंकि एक तो ये मेरे टॉप के साथ मैच कर रहा है, दूसरा ये इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, सच में बहुत अच्छी ग्रेस आपके ड्राइंग एंड डाइनिंग को ये दे रहा है। प्लस आप ऊपर फॉल सीलिंग देखिए एक बार, फॉल सीलिंग भी आपको LED लाइट्स के साथ यहाँ पे मिल रहा है, वुडन वर्क ऊपर फॉल सीलिंग में आपके किया गया है। प्लस आप फ्लोरिंग देखें नीचे, आपका पूरा टाइलिंग आपको एज इट इज यहाँ पे मिलने वाला है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे इतना बड़ा विंडो मिल रहा है। तो लाइक जैसे आप देख ही सकते हैं, अभी यहाँ पे लाइट नहीं जली है, तो कितनी ज्यादा लाइट अभी अंदर आ रही है मेरे ड्रॉइंग और डाइनिंग में दोनों में। लाइक यहाँ पे आप अपना सोफा लगा सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, जहाँ पे बैठ के आप अपनी फैमिली के साथ खाना खा सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका LED पैनल, जहाँ पे आप अपना LED लगा सकते हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप बैठे अपनी फैमिली के साथ, दोनों ही केसेस में आप एंटरटेनमेंट इंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा ड्रॉइंग डाइनिंग, इसके बिल्कुल सामने आ जाएगा हमारा किचन। सो गाइज, यहाँ है आपका किचन। पहले तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ पार्टीशन, यहाँ आप देखें आपके ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया को एंड किचन को बीच से सेपरेट किया है वुडन पीस के साथ। बहुत ज़्यादा सुंदर ये लग रहा है एंड एक अलग सा लुक, लाइक एक सेपरेट लुक आपके किचन को ये दे रहा है। एंड यहाँ आ जाएगा आपका पूरा किचन, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कॉम्बिनेशन पूरे किचन का बनाया है, कितना ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन किया है। आप ये पहले यही देख लीजिए, इसका डिज़ाइन कितना ज़्यादा सुंदर ये डिज़ाइन लग रहा है। यहाँ पे आपके अपर कैबिनेट्स आ जाएंगे विद गुड स्पेस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ आ जाएगा आपका कुकिंग काउंटर एंड उसके नीचे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो लोअर कैबिनेट्स आपके वो सॉफ्ट क्लोजर के साथ मिल रहे हैं एंड डिफरेंट साइजेस में आपके पास यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, जिसमें आप अपना डिफरेंट डिफरेंट सामान रख सकते हैं। जैसे इसमें आप अपने लाइक छोटा आप सामान जो होता है, लाइक हमारी स्पून्स वगैरह होते हैं, वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे भी ये थोड़ा छोटा दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा है, तो आप यहाँ पे लाइक अपने जो बड़े बर्तन है वो इसमें आप डाल सकते हो। लाइक मतलब आपके सारे बर्तन इन कैबिनेट्स में फिट हो जाएंगे इजीली, क्योंकि डिफरेंट साइज के हैं यहाँ पे। एंड इस साइड आप देखेंगे यहाँ पे आपको ड्यूल सिंक मिल रहा है, जिसमें आपको टैप्स लगा के देंगे
एंड यहाँ पे आपका वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा विंडो आ रहा है, जिससे वेंटिलेशन का आपका जो काम है वो तो होगा ही, बट यहाँ से आप बाहर भी नज़र रख सकते हो कि आपके गेट पे या घर के बाहर क्या एक्टिविटी चल रही है। लाइक काफ़ी अच्छे से आपका ये पूरा डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आप अपना चिमनी लगा सकते हैं, यहाँ पे अपना हॉब सेट कर सकते हैं, प्लस आपके सिक्योरिटी के लिए जो गैस का कनेक्शन है वो बाहर से रखा गया है, तो लाइक आपका सिलेंडर जो है वो बाहर रहेगा एंड यहाँ से गैस की सप्लाई आपको इजीली हो जाएगी। प्लस इधर आप देखेंगे यहाँ पे आपको पेंट्री सेक्शन मिल रहा है, जहाँ पे आप अपना पेंट्री स्टोर कर सकते हैं, अपना पूरा सामान स्टोर कर सकते हैं। तो लाइक ओवरव्यू बहुत अच्छा किचन बनाया गया है, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है आपका पूरा ही किचन। एंड ऊपर आप देखेंगे किचन में भी आपको फॉल सीलिंग दिया गया है एंड LED लाइट्स में इसमें यूज करी गई हैं आपके। तो ये था हमारा किचन ड्राइंग डाइनिंग अभी मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे रूम्स की तरफ। ये जो आपका पूरा घर है ये आपका 4BHK पूरा है, जिसमें आपको दो रूम्स नीचे मिल जाएंगे एंड दो रूम्स आपके फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे। तो पहले मैं आपको नीचे वाले रूम्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो गाइज ये है आपका फर्स्ट बेडरूम, कितना ज्यादा सुंदर है ये। पहले तो वॉलपेपर ही देख लो, मतलब काफी अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर यहाँ पे यूज करा गया है। प्लस आप डिजाइन ही देखिए कि कितने अच्छे से कॉम्बिनेशन बनाया पूरे रूम का। और ये लाइट देखो पहले यार, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ये लाइट। इस वॉलपेपर के साथ, लाइट के साथ इस रूम का पूरा लुक ही चेंज हो गया है। प्लस आप ऊपर ये फॉल सीलिंग भी देखेंगे, बीच में आपकी LED लाइट्स भी इसमें ऐड करी गई हैं, तो कितना ज्यादा अच्छा लुक ये पूरा आपके रूम को दे रहा है। प्लस यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको कबर्ड्स मिल जाएंगे, फुल लेंथ के कबर्ड्स हैं यहाँ पे आपके। एंड यहाँ पे आपको ड्रेसिंग टेबल भी दिया गया है विद मिरर, जहाँ पे आप रेडी हो सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप नीचे देखेंगे यहाँ पे भी स्पेस है, तो यहाँ पे लाइक आपका ज्वेलरी, आपका मेकअप, आपका सारा यहाँ पे इजीली स्टोर हो जाएगा। प्लस आप इधर आएंगे, यहाँ पे आपका LED पैनल, वहाँ पे आपका बेड होगा, आप सोएंगे, यहाँ पे लगा होगा आपका TV, बड़ा सा LED, तो आप एंटरटेनमेंट एंजॉय करेंगे, वाह क्या मजे आएंगे। एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा पूरा विंडो वेंटिलेशन के लिए। एंड इसके साथ ही यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉशरूम, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ आपको वॉशरूम मिल रहा है यहाँ पे। आपकी जितने भी यहाँ पे फिटिंग्स होंगे वो सारी ब्रांडेड फिटिंग होगी, सारी आपको करके देंगे हम लोग। एंड वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे भी विंडो दिया गया है, वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया आपका पूरे घर में। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे सेकेंड बेडरूम में। तो यहाँ है हमारा सेकेंड बेडरूम, अगेन विद ब्यूटिफुल वॉलपेपर, लाइट, फॉल सीलिंग विद LED लाइट्स, मतलब क्या कॉम्बिनेशन है रूम का, कितना ज्यादा अच्छे से चूज करके चीजें पूरे रूम में लगाई गई हैं। प्लस आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपके फुल लेंथ के कबर्ड्स आ जाएंगे, जिसमें आपके सारे कपड़े आ जाएंगे, लाइक आपके हैवी ड्रेसेस हैं, आपके नॉर्मल कपड़े हैं, सारे इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे भी आपको ड्रेसिंग टेबल दिया गया है विद मिरर, जहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी स्पेस आ जाता है इनबिल्ट में भी, एंड यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आपकी लाइक सारा मेकअप, ज्वेलरी वगैरह सब यहाँ पे आ जाएगा। प्लस यहाँ पे आपका बिल्कुल बेड के सामने आ जाएगा LED पैनल, जहाँ पे आप अपनी LED लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉशरूम, यहाँ पे भी आपको बहुत ही ह्यूज वॉशरूम यहाँ पे मिल रहा है, बहुत बड़ा वॉशरूम यहाँ पे मिल रहा है। सारी फिटिंग्स आपको होके मिलेंगी, लाइक जितनी भी आपकी यहाँ पे फिटिंग्स होंगी वो सारी ब्रांडेड फिटिंग होने वाली है। एंड आपकी वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो भी दिया गया है वॉशरूम में। एंड इस साइड अगर आप आएंगे यहाँ पे आपको एक छोटू सा यूटिलिटी एरिया भी मिल रहा है, जिसको आप वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप वॉशिंग मशीन अपना यहाँ पे लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे दोनों बेडरूम्स, अभी मैं आपको ग्राउंड फ्लोर पूरा दिखा चुकी हूँ, मैंने आपको ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, हमारे दोनों रूम्स आपको पूरे दिखा दिए, अब हम चलते हैं ऊपर। सो गाइज ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर, एंटर करते पहले आपको यहाँ पे बालकनी मिल जाती है, काफ़ी अच्छी आपको बालकनी मिल रही है यहाँ पे,
यहाँ अगर आप आएंगे काफी अच्छा स्पेस मिल रहा है, लाइक आप बैठ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बालकनी में, लाइक अभी सर्दियाँ आ रही है आगे आप धूप सेक सकते हैं यहाँ पे बैठ के, एंड रेलिंग भी आप देख सकते हैं आपको ग्लास की रेलिंग यहाँ पे दी जा रही है, एंड प्लस सामने आप देख सकते हैं ऐसे ही आपके विलाज बहुत सारे यहाँ पे लोग रह भी रहे हैं एंड बहुत सारे आपके यहाँ पे बन भी रहे हैं, मतलब ये जो आपका विला है ये आपका पूरा रेडी टू मूव विला है। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर में, एंटर करते हैं आपको यहाँ पे भी वुडन डोर मिल जाता है सेम जैसे आपको नीचे मिल रहा था, मैश डोर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे यहाँ आ जाएगा आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग, यहाँ पे आप अपना सोफा लगा सकते हैं, यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, एंड इस साइड अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिल रहा है, जैसे अभी भी हमने लाइट नहीं जला रखी है यहाँ पे, तो ये जितना भी लाइट है ये नेचुरल लाइट यहाँ से आ रहा है, तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि पूरा दिन आपको लाइट यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इस साइड अगर आप आएंगे यहाँ पे आपको पूरा पैनल मिल रहा है, यहाँ पे आप अपनी LED लगा सकते हैं एंड एंटरटेनमेंट अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, प्लस आप फॉल सीलिंग के ऊपर देखेंगे विद LED लाइट्स, ये भी आपको यहाँ पे एज इट इज ही मिलने वाली है। एंड यहाँ अगर आप आएंगे इस साइड आ जाएगा आपका किचन, तो इस साइड आ जाएगा आपका किचन, आप देख सकते हैं ये भी आपका बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है, किचन जैसा चीजें हमने नीचे देखी थी सेम वही थीम आपका यहाँ पे भी रखा गया है, आपको अपर कैबिनेट्स विद गुड स्पेस यहाँ पे मिल रहे हैं, प्लस आपको लोअर कैबिनेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ये भी आपको काफी अच्छे स्पेस के साथ यहाँ पे मिल रहे हैं, एंड जैसे मैंने नीचे बताया था यहाँ पे भी आपको डिफरेंट साइजेस में कैबिनेट्स मिल रहे हैं, लाइक आपके सारे बर्तन यहाँ पे आ जाएंगे, प्लस अगर इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ड्यूल सिंक मिल रहा है जहाँ पे टैप्स आपको लगा के देंगे, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दिया गया है, क्योंकि किचन में वेंटिलेशन का बहुत ज्यादा रोल होता है, एंड इस विंडो का आपका ये भी फायदा आप बाहर भी देख सकते हैं, लाइक बाहर का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं, खाना बनाते बनाते बोर नहीं होंगे, तो यहाँ पे आप अपना रेफ्रिजरेटर लगा सकते हैं, एंड आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे भी आपको फॉल सीलिंग मिल रहा है विद LED लाइट्स। तो ये था हमारा कंप्लीट किचन, मैं अभी ड्राइंग डाइनिंग किचन आपको दिखा चुकी हूँ, अब हम चलते हैं रूम्स की तरफ, दो रूम मैंने आपको नीचे दिखाए थे, मैंने आपको बताया 4 रूम्स आपको यहाँ पे पूरे टोटल मिलेंगे, 2 मैं आपको नीचे दिखा चुकी हूँ, 2 यहाँ पे हैं, तो हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम में। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम, हमारे फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, लाइक हमारा थर्ड बेडरूम, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्पेशियस ये भी आपका रूम है, यहाँ इस साइड आप देखेंगे यहाँ पे आपके आ जाएंगे कबर्ड्स विद गुड स्पेस, ऊपर आपका फॉल सीलिंग पूरा विद LED लाइट्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका LED पैनल जहाँ पे आप अपना LED इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड यहाँ आ जाएगा आपका बेड जिसपे आप सो सकते हैं आराम कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉशरूम जिसमें आपकी सारी फिटिंग जो है वो ब्रांडेड फिटिंग रहेंगी, एंड काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल रहा है, आपको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो भी दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको एक विंडो भी मिल रहा है वेंटिलेशन के लिए रूम में भी। तो ये था हमारा थर्ड बेडरूम, इसके बिल्कुल साथ ही आ जाएगा हमारा फोर्थ बेडरूम, ये भी आपको काफी स्पेशियस रूम मिल रहा है, फॉल सीलिंग विद LED लाइट्स आपको एज इट इज यहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पे आप इस साइड देख सकते हैं आपको कवर्ड्स मिल रहे हैं विद फुल हाइट, काफ़ी स्पेशियस कबर्ड्स आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा आपका ड्रेसिंग टेबल, प्लस आपको यहाँ पे नीचे भी स्पेस मिल रहा है, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका LED पैनल जहाँ पे आप अपना LED इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड यहाँ पे लगा सकते हैं आप अपना बेड, एंड उसके बिल्कुल साथ यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉशरूम। तो गाइज इस घर में आपको सारे वॉशरूम बहुत स्पेशियस मिल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस ये भी वॉशरूम है आपका, सारी फिटिंग्स आपको होके मिलेंगी, सारी ब्रांडेड फिटिंग रहेंगी, एंड यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिल रहा है, एंड इस साइड गाइज आपको एक बालकनी भी मिल रही है, इस रूम से आप उस बालकनी में भी एक्सेस कर सकते हैं। सो ये थे हमारा ग्राउंड फ्लोर, हमारा फर्स्ट फ्लोर, अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे टेरेस पे। सो गाइज ये है आपका टेरेस, अब देख सकते हैं कितनी अच्छी हवा यहाँ पे चल रही है, जैसे मेरे बाल उड़ रहे हैं गाइज, लाइक आप व्यू पहले देखो टेरेस से, व्यू कितना अच्छा रहा है, इस साइड आपका पूरा ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, खेत है इस साइड पे पूरे, एंड इस साइड का पीछे घर है,
बहुत अच्छा व्यू आपके टेरेस से आएगा, हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे। एंड अगर आप स्पेस की बात करेंगे, आप देख सकते हैं पीछे तक पूरा आपको स्पेस मिल रहा है यहाँ पे। काफी तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप छोटी मोटी पार्टी करना चाहते हैं, गैदरिंग करना चाहते हैं, तो वो आप अपने छत पे ही कर सकते हैं, इतनी स्पेस यहाँ पे आपको दी गई है। तो गाइज ये था हमारा आज का 4BHK विला जो मैंने आपको दिखाया, सेक्टर 123 मोहाली में। विला जो आपका है ये डायरेक्टली एडजॉइंट है आपके PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड के साथ। एंड अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहां से आपको सारे आपके नियर बाई स्टेट्स का एक्सेस इजीली मिल जाता है, जैसे कि ये कनेक्टेड आपके PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड के साथ। तो वहां से आपको, आप किसी भी साइड जा सकते हो, आप हिमाचल जा सकते हो इजीली, आप दिल्ली जा सकते हो, आपको जीरकपुर अम्बाला साइड जाना है आप वहाँ पे भी इजीली जा सकते हो, एंड आपको लांड्रा साइड जाना है वहाँ भी आप इजीली जा सकते हो। तो लाइक आपको कनेक्टिविटी का यहाँ पे कोई इशू नहीं आने वाला है। एंड अगर मैं बात करूँ इस विला की, बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है विला को। जैसे मैंने आपको पूरा विला दिखा ही चुकी हूँ अब तक, तो आपको भी आइडिया हो ही चुका होगा कि कितना ज़्यादा सुंदर है। आउटर एलिवेशन ही इतना ज़्यादा सुंदर है, एंड अंदर की तो क्या ही बात करूँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाया गया है। तो अगर आप भी इस विला को विजिट करना चाहते हैं, इस विला में इंटरेस्टेड हैं आप भी, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। वी आर रेडी टू असिस्ट यू, हम आपका विजिट प्लान करेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।